गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये वीडियो उनके लिए बनाया जा रहा है जिन्हें अभी तक कंफ्यूजन हो रहा है कि कट ऑफ का क्या है, रेंज क्या नहीं है, और डीवी के वक्त कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अलग अलग विषय पे अलग अलग तरह से जानकारी आप लोग को पहले से ही आदान प्रदान कर दी, लेकिन अभी जैसा कि लेटेस्ट न्यूज़ है, जैसा कि मेरे पास है एक साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो कि बिलासपुर है, तो बिलासपुर की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है कि जो CCA कैंडिडेट हैं और PWBD एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स, उनके लिए DV का प्रोग्राम सेट किया गया है। तो सेट करने से पहले जिन जिन CCA वालों का रिज़ल्ट हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, सारे CCA वाले का रिज़ल्ट आपको शो कर रहा होगा। और हालांकि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इट मींस PWBD उनका भी कुछ रिज़ल्ट दे चुका है और एक्स सर्विसमैन का भी रिज़ल्ट आ चुका है। तो जैसा हम देखते रहे हैं कि जो CCA कैंडिडेट्स हैं, CCA कैंडिडेट्स का कुल 333 कैंडिडेट्स सिलेक्टेड हैं और PWBD के तरफ से 19 कैंडिडेट सिलेक्टेड है और लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि LD उनका 29 और जो हियरिंग यानी कि जिनको सुनने की कैपेसिटी थोड़ी कम है यानी वो नहीं सुन पाते डीफ टाइप के, उनका 9 है और एक्स सर्विसमैन का 7 दे चुका है। तो हालांकि ये सारा रिज़ल्ट अभी ऑफिशियली पब्लिश नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ये इंटरनली एक रिकॉर्ड है। तो बेसिकली उन कैंडिडेट्स को कुछ कुछ चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है, जैसे कि आप लोग का DV होगा, DV मींस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड जस्ट उसकी ठीक आपका जिस दिन DV होगा ठीक उसके दिन एक दिन बाद आप लोगों का मेडिकल भी हो ही जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं जो आपको आपके DV के समय लेकर जाना अनिवार्य है। सबसे पहले आपका मार्कशीट यानी कि जो क्वालिफिकेशन आप फिल किए हैं, आपने जिसके तहत आपने इनरोल किया है, तो वो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एटलीस्ट कम से कम 10वीं की मार्कशीट विद एडमिट कार्ड ओरिजिनल, सारा कुछ ओरिजिनल लेके जाना है और उसका 2 सेट फोटो स्टेट कॉपी और NCVT। जो लोग CCA कैंडिडेट्स हैं उनके पास NCVT सर्टिफिकेट होगा तो वो अपना NCVT सर्टिफिकेट का 2 जीरोक्स कॉपी लेकर जाएँ, यानी कि NAC का एक ओरिजिनल और उसके साथ उसका 2 जीरोक्स कॉपी और उनके साथ प्रोविजनल भी दिया जाएगा, तो प्रोविजनल का भी जीरोक्स, 2 जीरोक्स और हर एक चीज़ के 2 जीरोक्स आप लेकर चले। और उसके बाद फिर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि कुछ ऐसा चीज़ लेकर जाएं जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूव हो जाए। जस्ट लाइक डेट आप 10वीं के मार्कशीट में आपके डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया जाता है तो आप उसको ही लेकर जाएं। उसके बाद फिर जो लोग SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं या फिर EWS से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग अपने अपने जाति का सर्टिफिकेट लेकर जाएं। जिस तरह SC ST का एक अलग कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, OBC का अलग बनता है और EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का एक अलग ही तरह का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, तो ये लोग भी उस सर्टिफिकेट को लेकर जाएं जिस समय आप लोगों ने इसको लगाया था, उसको ज़रूर लेकर जाएं और जो लेटेस्ट है वो भी ज़रूर लेकर जाएं। उसके बाद फिर अगर कोई एक्स सर्विसमैन जो काम कहीं कर रहे हैं तो वो और NOC बना दें यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बना लें, और उसके बाद फिर सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी उनको बनाना है जो एम्प्लॉय हैं, जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं। और आपको आधार कार्ड मस्ट लेकर जाना है, आधार कार्ड और उसका जो जेरोक्स कॉपी ज़रूर से ज़रूर लेकर जाएं, और आपका रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ कम से कम, आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि कम से कम 12 से 16 पीस लेकर ही जाएं। एक्स्ट्रा लेकर जाने में कोई बुराई नहीं, आप लेकर जा सकते हैं। तो ये रहा सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सारा प्रोसेस, तो आप इस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर जा सकते हैं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट का भी कहना है, बहुत लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा ही चिंतित है, लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनाना है आप बना सकते हैं, लेकिन DV के वक्त अभी नहीं मांगा जाएगा। ये एक लास्ट प्रोसीजर है जो आपका पैनल लिस्ट बनने के बाद ये स्टार्ट होता है। तो गाइज आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अच्छी बात है, आगे के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई डाउट हो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन को हमारे कमेंट बॉक्स में रेज कर सकते हैं।
थैंक यू।